हाय एवरीवन, माय नेम इज शांत बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टरोलॉजी। गाइस, कल अब है थर्सडे, किस तरीके से अप्रोच लेकर चलनी है कल की एक्सपायरी को एंड कैसे ट्रेड करना है। बिकॉज अगर आज हम लोगों ने मार्केट देखी थी, मार्केट डेफिनेटली जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे एग्जैक्टली उसके ऊपर ओपन हुआ एंड उसके बाद से एक रैली हमें देखने को मिली। बट मैं दोपहर में लाइव आया था एंड उस लाइव पे हमारा जो डिस्कशन था वो थोड़ा सा एक्सट्रीम था। बिकॉज वहां पर हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट का जब डाटा देखा था तो हमें कह रहा था 38,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा अगर वो मार्केट क्लोज होने से पहले 38,600 के ऊपर चाह रहा है और हमें लग रहा है कि उसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है तो हम एज अ बीटीएसटी ट्रेड मार्केट के अंदर ले सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी ने तो हमें बता दिया था कि 17,400 उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। सो आई थिंक अब देखते हैं कि क्या करना है। इसके अलावा 3 स्टॉक्स हैं जिसपे हम ट्रेड लेकर डेफिनेटली चल सकते हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पे ऐसे 3 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करे हैं जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 हफ्ते के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा पैसा कमा के दे सकता है। तो उसकी वीडियो भी मैं कल अपलोड कर दूंगा और वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल की तरफ और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या सेटअप कल एक्सपायरी में हमें देखने को मिल सकता है। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल दोबारा लाइव हूँ और वहां पर आप लोगों को मार्केट के अंदर ही ट्रेड्स प्रोवाइड करवा। सो गाइज, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है तिरुमलाई केमिकल्स। तिरुमलाई केमिकल्स आज हम लोगों ने लाइव के अंदर भी बात करी थी एंड एक पॉसिबल रिवर्सल मुझको इस लेवल से देखने को मिल सकता है। सो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे तो एक अच्छी अपमूव आई, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, अगेन एक बड़ी अपमूव आई, अगेन इट गेव अ वेरी गुड रिट्रेसमेंट, अगेन एक हमने एक इम्पल्स मूव देखी और अभी रिसेंटली एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप रिट्रेसमेंट को चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी हाई से एक फॉल आना स्टार्ट हुआ, एवरी डे की जो क्लोजिंग थी वो अपने प्रीवियस लो के नीचे ही क्लोजिंग थी। और आज के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली हमने देखा है कि जो क्लोजिंग प्राइस था यस्टरडे का उसके ऊपर जाके क्लोज करिए, यानी कि ये जो लेवल है ये एक बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है, एक सपोर्ट बन सकता है। सो व्हाट वी कैन डू कि एक माइनर इंट्राडे ट्रेड हमें कल मिल सकता है, 3 रुपए का, 4 रुपए का, 5, 6, 10 रुपए तक का भी मिल सकता है। ये स्टॉक पे हम लोग एक एज अ बेट या एक एज अ रिस्की ट्रेड लेकर चल सकते हैं। अब स्टॉक का नाम तिरुमलाई केमिकल्स है, तभी प्राइस चल रहा है 253 रुपीज का एंड डेफिनेटली हम लोग 254 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 258 to 260 रुपीज का इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर टारगेट अचीव करके चल रहा हूँ, जो कि मिनिमम कल इंट्राडे हमें दिखा सकता है। स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर ऐड कर लीजिए। बात करते हैं दूसरे स्टॉक। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है क्रेडिट एसीसी। क्रेडिट एसीसी पे अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल था 1,000 रुपीज का जहां पर एक बहुत बड़ी फॉल आई थी एंड ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 70% तक की फॉल हमें देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। आफ्टर दैट एक बहुत अच्छी रिकवरी आई, बहुत स्लोली रिकवरी आई, बट हमने देखा एक इम्पल्स मूव हमें देखने को मिली है। आफ्टर दैट हमें एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन फेस देखने को मिला और ये कंसोलिडेशन फेस के ऊपर कहां पर नहीं गया, आप ये देख रहे हैं जो एक बहुत बड़ी बिग कैंडल हमें देखने को मिली थी इसके ऊपर अभी तक इसके ऊपर जा नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। रिसेंटली एक बड़ी इंपल्स मूव देने के बाद इसने एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट करा, उसका हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और अगर इस रेंज के ऊपर कल ये निकलना स्टार्ट करता है एक बड़ी अपमूव हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं। सो अभी प्राइस चल रहा है 757 रुपीज का और वो 770 के ऊपर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है और आई पर्सनली थिंक कि शायद उसके बाद ये 1,000 रुपीज के लेवल तक भी जा सकता है। सो एड दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू योर वॉच लिस्ट। अगर ये ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, डेफिनेटली वहां पर हम इसे बाय कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं आपको कल सुबह ये टेलीग्राम पे भी रिकमेंड कर दूं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है जीएनएफसी। अब जीएनएफसी ना स्टॉक हम लोगों ने आपको बहुत बहुत बार रिकमेंड करा, हम तो 280 रुपए के लेवल से आपको बहुत बार अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करवाते थे एंड अभी 550 रुपीज के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अगर आप चेक करेंगे ब्लैक कलर की लाइन पर फोकस रखना कि एग्जैक्टली इसके ऊपर ना अभी तक हमें एक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली थी और यही इसका लाइफ टाइम हाई था, जो लेवल था अराउंड 550 रुपीज का, जिसके एग्जैक्टली आज हाई को छू के आया है, एक नया लाइफ टाइम हाई को क्लिक करके ही वापस आया है। अगर आप चेक करेंगे तो जो ये लेवल है 500 रुपीज का उसके ऊपर अभी तक एक वीकली क्लोजिंग हमें एक बार भी देखने को नहीं मिली है और मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2017 की। अगर आप चेकआउट करोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बहुत अच्छे से विजिबल है और आई पर्सनली थिंक एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने की भी तैयारी कर चुका है। अब कल है थर्सडे और परसों का फ्राइडे, अगर 2 दिन भी ये 500 रुपए के ऊपर सस्टेन कर लेता है, जो कि 50 रुपए नीचे और आई थिंक ये सस्टेन करेगा, हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि स्टॉक यहाँ से 50 से 100 रुपए की रैली और ऊपर कर सकता है और अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ये डेफिनेटली एक अच्छे मूवमेंट की तरफ ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके
दैट शुड बी अराउंड 600 रुपीज का, अभी ट्रेड कर रहे हैं 545 रुपीज पे, ऑलमोस्ट 55 रुपीज की अप मूव ये स्टॉक के अंदर अभी भी बाकी है। तो आई थिंक अगर ये आपको बाय ऑन डिप्स में मिले 500 रुपए के आसपास भी मिल जाए, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक, बिकॉज मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप्स की, ओपन इंटरेस्ट के डाटा की, एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। गाइस जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, एंड रिसेंटली अभी मैंने 15 मिनट पहले ही यहां पर एक वीडियो पोस्ट करी है जो हम इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, एंड डेफिनेटली गाइस ये एक लर्निंग वीडियोस होने वाली है, लर्निंग रील्स होने वाली है अंडर 1 मिनट, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं जो आप लोग लैक करते हो इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर, छोटे छोटे पॉइंट्स जो एक्चुअल में बड़े होकर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। सो अभी हमने एक वीडियो क्रिएट करी हुई है, आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली जा सकते हैं, फिर हमें नीचे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ पेपर ट्रेडिंग, यहाँ पर और क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से राइट टाइम है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का, कैसे पेपर ट्रेडिंग करी जाती है, एंड वेरियस अदर थिंग्स जो हमने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करी हुई है। तो गो एंड चेक, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इस पर्टिकुलर प्लान से रिलेटेड, बुल्स आए जो हम द इन्वेस्ट्रोलॉजी ने प्रेजेंट करा है, एंड यस ये एक हम लोग एक सेटअप लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जो वर्किंग क्लास है, जो एम्प्लॉयज हैं, जो ज्यादा मार्केट को सीख नहीं सकते, बट दे वांट टू अर्न सम मनी, और उनको नहीं पता कि कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कब एग्जिट करा जाए, तो उसके लिए हम ये प्लान लेकर आए हैं जो कि 14th of Feb से स्टार्ट होने वाला है टू 14th of March। ये सिर्फ एक महीने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस प्लान, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी आप रिजर्व कर सकते हैं अपनी सीट। प्लस इसके साथ एक बेनिफिट और है, इसके साथ बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग 11th of Feb से पहले ज्वाइन करते हैं तो हमारा सैटरडे और संडे जो 12th और 13th Feb को जो वेबिनार होने वाला है ह्यूमन एंड सिक्योरिटी साइकोलॉजी से रिलेटेड और फ्लैग एंड पोल पैटर्न से रिलेटेड, 3-3 घंटे का जो सेशन हम लोग लाइव करने वाले हैं, वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग 11th of Feb से पहले इस प्लान को सब्सक्राइब करते हैं। सो डेफिनेटली गाइड्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप चेक कर सकते हैं, सारे चार्ट्स सेटअप शेयर करे जाएंगे, वॉइस नोट्स भेजे जाते हैं आप लोगों को कि आपको पता हो कि आप क्यों एक्चुअल में स्टॉक को बाय कर रहे हो। तो आई होप आप लोग इसमें अगर इंटरेस्टेड होंगे डेफिनेटली आप बिफोर 11 से पहले सब्सक्राइब कर लेंगे कि आप लोग कुछ लर्न भी कर पाए, एंड वो लाइव वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड होगी, प्लस आपको आपके नाम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा जिसको आप एज अ रिज्यूमे के अंदर भी ऐड कर सकते हैं और वो एक वेटेज होगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेटअप्स की। तो गाइस हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट सेटअप ओपन कर लिया, एंड कल जो हमारी डिस्कशन थी वो मोस्ट प्रोबेबली यही थी कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने पैटर्न क्रिएट करा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, और एक बड़ी फॉल के बाद तो डेफिनेटली एक बड़ी अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक गैप अप आया, तो उस गैप अप पे तो ट्रेड करना बिल्कुल नहीं बनता था, बिकॉज वहां से जो गैप अप था ऑलमोस्ट 100 रुपए ऊपर था, एंड उसके बाद पूरे टाइम रेंज बाउंड होते रहे, एंड आफ्टर दैट एक ब्रेकआउट आया। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि इसके अंदर तो कोई ट्रेड बनता भी नहीं था, बट यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखिए कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है कि 17,400 एक बहुत बढ़िया कल के लिए बेस बन चुका है। सो अगर बाई चांस कल एक डिप दिखती है, गैप डाउन की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, इस लेवल पे भी होकर ओपन होकर अगर डिप आती है और तो आपको सीधा इस पर्टिकुलर इंडेक्स को बाय कर लेना है, बिकॉज बहुत बढ़िया सपोर्ट है 17,380 से 17,420 के बीच का, एंड वहां पर एक अच्छी रैली हम लोग देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट पे मैं और इजीली आपको समझा पाऊंगा। सो बैंक निफ्टी का भी चार्ट ओपन हो गया, एंड हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक बुलिश पेनेंट पैटर्न का और जिसपे 50-61% का फिबोनाची का सपोर्ट था, इस लेवल पे टेलीग्राम पे मैंने आपको एक बाय कॉल सजेस्ट करी थी ऑन आर बैंक निफ्टी, एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप अप भी आया और उसी दिन बहुत बड़ी मूवमेंट भी ये कर चुका। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि जिन लोगों ने भी ये बाय नहीं करा था उनको कब करना चाहिए, हमने बोला था ये इसका प्रीवियस हाई है, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, इसके ऊपर चले जाता है, तो हम डेफिनेटली एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं आफ्टर अ वेरी गुड गैप अप। इसी लेवल पे ओपन हुआ एंड इसी लेवल से 38,200 से ऑलमोस्ट 38,500 तक गया और क्लोजिंग इसने 38,600 पे दिया, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आपको विद इन फ्यू मिनट्स, आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपको मिल गए थे 300 पॉइंट। सो आई होप आप लोगों ने इसमें ट्रेड लेके कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड अर्न कर लिया होगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, उसके बाद पूरा टाइम रेंज बाउंड, ठीक है, आफ्टर दैट अब एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अब इस ब्रेकआउट जैसे ही हुआ था ना, हम लोगों ने लाइव के अंदर अपना चेकआउट करा था कि 38,500 पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहे, मतलब पुट राइटर्स पोजिशन एड नहीं कर रहे, कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, बट पुट राइटर्स ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे, तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा सस्टेन थे।
बट इन दी एंड हमने वहां पर ये बात करी थी कि 38,600 के ऊपर अगर लगा कि क्लोज कर रहा है, 580 रुपीज के ऊपर लगा अगर क्लोज कर रहा है तो डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वैसा हुआ लास्ट पे जब हम लाइव को एंड कर रहे थे तो हमें देखने को मिला कि पुट राइटर्स भी अब एक्टिव होना स्टार्ट हो गए हैं। सो लेट मी शो यू कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले चेक करोगे कि कॉल और पुट राइटर का चेंज, तो कॉल राइटर्स नेगेटिव 7 मिलियन है, मतलब कॉल राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं एंड पुट राइटर्स की पोजीशन अभी भी एक्टिव है। अगर आप नीचे ओवरऑल डाटा देखने की कोशिश करोगे तो 39,000 के अंदर एक हैवी कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि हाँ यार 39,000 का लेवल तक तो इजिली ही चले जाएगा और शायद उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो 38,500 तक जितने भी कॉल राइटर्स थे सब अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे थे और हर 100 पॉइंट के अंदर पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस एड ऑन कर रहे थे। आगे आप चेक कर सकते हैं सिंपल 39,000 के अंदर ही एक छोटा सा कॉल राइटर्स की पोजीशन ओपन इंटरेस्ट एक्टिव हुआ है, अदर देन दैट कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। सो यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी बुलिश मूवमेंट इन टुमारो सेशन और आइदर साइड की 39,000 तक भी जा सकता है। तो यहां पर हमें एक चीज पता चल चुकी है कि बाय ऑन डिप्स अगर कल मिलता है तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन टुमारोज मार्केट इन सिंपल निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो एक बार हम लोग वीकली चेक कर लेते हैं निफ्टी का भी, तो सिंपल निफ्टी में भी सारे कॉल राइटर्स एग्जिट करें, इवन 17,500 पे भी कॉल राइटर्स पूरे एग्जिट कर चुके हैं। सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि कल 17,500 भी ब्रेक देने वाला है और ऊपर भी वो इजिली जा सकता है। एंड हैवी पुट राइटर्स कहाँ पर एक्टिव है, 17,400 पे, जिसपे हम लोगों ने कल आज सुबह लाइव पे ही बात कर ली है। सो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पे अच्छा पैसा बन सकता है, वहां पर सिंपल बाय करना है, स्टॉप लॉस अपना रख के चलो। इसी जो भी हमारी स्ट्राइक प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड करती है उसे 30-40 पॉइंट से नीचे रखो अपना स्टॉप लॉस एंड होल्ड दैट, क्योंकि मुझे लगता है इन दी एंड शायद एक बड़ी मूवमेंट दे सकता है। मैं लाइव तो आने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा एंड जैसी मुझे लगता है कुछ ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी आ रही है आई विल कम लाइव और मैं सारे अपडेट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप जाके वो प्लान भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर भी मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बिकॉज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स मैं टेलीग्राम के पर्सनल चैनल पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहूंगा। येस आई विल प्रोवाइड यू सम स्टॉक्स बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इफ यू वॉन्ट कि रेगुलर बेसिस पे अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड्स एंड एवरी अदर थिंग्स मिले सो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड सब्सक्राइब बिफोर 11th ऑफ फेब कि आप लोग वो वेबिनार्स का भी मजा ले पाए। हैव अ वेरी गुड डे गाइस। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स एम की 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग विद इन 1-2 मंथ्स क्रॉस कर पाए एंड अपनी फैमिली को और ज्यादा ग्रो करें। बाय बाय।